नमस्ते दोस्तों, गीतांजलि की दुनिया में खूब खूब स्वागत है आपका। आज दोस्तों गुड़ की चाय बना रहे हैं। 4 कप चाय बनेगी, उसके लिए 3 कप पानी ले लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे 3 कप पानी तो क्या 1 कप दूध? तो पहले तो 3 कप पानी डाल लेते हैं। अब दूध डालेंगे, 1, 2 और थोड़ा सा और डालेंगे, 2.25 कप पानी दूध डालेंगे। 3 कप पानी, 2.25 कप दूध। आप सोचे होंगे 4 कप चाय के लिए इतना सारा, 5.25 कप, 1 कप पानी जल जाएगा। और ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध डाला है, ये कभी चाय थोड़ी सी गिर जाए। अब 4 चम्मच चाय की पत्ती डाल लेंगे। 1 कप चाय में 1 चम्मच चाय की पत्ती के हिसाब से डालेंगे। चम्मच थोड़ा सा बड़ा है इसलिए 4, अगर आपका छोटा चम्मच हो तो 6 चम्मच चाय की पत्ती डालें। अब ये दोस्तों गुड़ पाउडर है, सभी कंपनियों का मार्केट में आता है, आप किसी कंपनी का भी ले लीजिए। ये 4 चम्मच डालेंगे, अगर आप कम पीते हो तो 3 चम्मच डाल लीजिए, अगर ज़्यादा पीते हो तो 5 चम्मच कर लीजिए। लेकिन वैसे ये ठीक टेस्ट की बनेगी, ना बहुत मीठी ना बहुत सीठी। तो ये किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब दोस्तों जब तक ये खोलेगी तब तक अगर आप नए व्यूवर्स हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अभी धीमी धीमी मीडियम फ्लेम रहेगी और ये धीमे धीमे पकेगी चाय, बहुत धीमे नहीं पकेगी, मीडियम मध्यम आंच में रहेगी, मीडियम फ्लेम में। दोस्तों ना आप देखेंगे, लास्ट तक देखिएगा, मैंने कहीं कट नहीं किया, ना ये इसमें दूध फटेगा ना चाय फटेगी। अदरक डालने के बाद, क्योंकि ये हमेशा शिकायत होती है लोगों को कि गुड़ की चाय में अदरक डाल दो तो चाय फट जाती है, दूध डाल दो तो चाय फट जाती है। गुड़ की चाय बनाने के लिए उन्हें चाय गैस बंद करने के बाद गुड़ डालना पड़ता है या दूध अलग से मिलाना पड़ता है। दोस्तों ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसको छील कर कूट लेंगे। तब तक ये धीमे धीमे चाय की पत्ती का रंग उतरेगा, खोलेगी तभी डालेंगे अदरक। आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं कहीं कट नहीं कर रही, जिसमें कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से नुक्कड़ वाली चाय बनती है। क्योंकि छुट्टी वाले दिन लोग जेंट्स भी बहुत चाय पीने कहीं जाते हैं, बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पर चाय या कहीं चाय की दुकान होती है, वहाँ लोग चाय पीने जाते हैं क्योंकि गुड़ की चाय का सर्दियों में अपना ही स्वाद होता है। ये देखिए मीडियम फ्लेम में है रंग, अभी धीमे धीमे चाय की पत्ती का छूटेगा जब पकेगी, तो उस चाय को आप घर में बना सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा कि किस ट्रिक से बनाएंगे, तो बिल्कुल वही चाय बनेगी आपकी जो नुक्कड़ वाली चाय होती है। देखिए चाय की पत्ती ऊपर पड़ी है, वो धीरे धीरे रंग छोड़ेगी। मैंने और भी आपको चाय सिखानी है चीनी वाली। आज मैंने सोचा चलिए गुड़ पाउडर असल में बहुत हेल्दी होता है और बहुत सर्दियों में लोगों को चाय अच्छी भी लगती है और सेहत के लिए भी गुड़ बहुत अच्छा है, और आजकल आने भी लगा है पाउडर फॉर्म में, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती कि गुड़ फोड़ना है तो अंदाज नहीं लगता कितना गुड़ डाले। तो आप पाउडर में ले लीजिए, बढ़िया आप डिब्बे में करके रख दीजिए, चीनी की तरह आप डालिए। और इस चाय में सूंधेपन महक आती है। अब जिंजर पेस्ट जो मैंने अदरक आपको दिखाई थी, ये देखिए अदरक डाल देंगे। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, कूट भी सकते हैं, जो भी आपके पास हो उससे आप कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा और बचा था। अब दोस्तों असली ट्रिक है नुक्कड़ वाली चाय बनाने के लिए,
ये देखिए, आप कभी भी आपने बाहर की चाय पी होगी तो देखा होगा दुकान पे वो एक उनके पास कप होता है, उसमें हैंडल होता है और वो ऊपर से उठा उठा के डालते हैं और चाय इसी तरीके से उनकी खोलती रहती है और वो ऊपर से डालते रहते हैं जिससे कि उबले नहीं। तो आपके पास वो नहीं है तो आप चम्मच से बस, क्योंकि घर में उतने सारे तामझाम नहीं होते, आप चम्मच से बस ऐसे करते रहें और ये चाय को अच्छे से खोलने दें। बस ऐसे करते रहेंगे तो चाय उबलेगी नहीं, लेकिन इसको लगातार करेंगे जिससे कि उबले नहीं। और अगर आपसे ना संभल रही हो चाय, फैलने का डर हो, तो थोड़ा सा लो मीडियम फ्लेम में कर लीजिए, पर मैंने अभी मीडियम पे रखी है। ये देखिए ऐसे खोलती रहेगी खूब अच्छे से, जब तक इसका फेना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये चाय खोलेगी। और जब ये बिल्कुल नीचे हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा हाई करिए, ये फिर ऊपर तक आ जाएगी। इस तरीके से खोलाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए चारों तरफ चाय की पत्ती लगी हो, उसको भी छुड़ा दें जिससे कि ऐसा ना हो कि वो बच जाए, उसका कलर चाय में ना आ पाए। दोस्तों अभी देखिए जब तक ये सफ़ेदी इसकी नहीं जाएगी तब तक ये चाय कच्ची मानी जाएगी। एक कप ही चाय पिए लेकिन बढ़िया मस्त चाय पिए। देखिए चाय की पत्ती का आपको दिख रहा है लाल लाल सा, अभी चाय की पत्ती अपना कलर छोड़ रही है, इसीलिए घर वाली चाय में वो कई बार मज़ा नहीं आता है जो चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा डालने के बाद भी। तो इस तरीके से जब तक आप नहीं खोलाएंगे तब तक, ये देखिए एक बार सब नीचे हो जाए तो अब दोस्तों ये चाय पक गई। देखिए ये देखिए पक गई, अब छानेंगे इसको। स्टील वाली ऐसे छन्नी करेंगे तो, क्योंकि गुड़ गाढ़ा वैसा होता है, तो देखिए इस तरीके की छन्नी में 2 कप चाय छान लेंगे और 2 कप चाय अभी इसमें बची रहेगी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ 2 कप चाय इसमें पैन में बची है। ये देखिए 2 कप बच गई। देखिए कलर कितना बढ़िया आया है चाय का। आपको पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है और शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं गीतांजलि की दुनिया में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक आप चाय इंजॉय करिए, बनाइए, पिलाइए, पीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।